वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन धनी सर्विसेज स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो धनी सर्विसेज स्टॉक की बात की जाए तो 37.8 पे यहाँ पे क्लोजिंग डे फ्राइडे के दिन धनी सर्विसेज स्टॉक ने तो रिसेंटली देख सकते कि धनी सर्विसेज के मार्केट कैप जो है 2277 करोड़ के, पी रेशियो ने बुक वैल्यू ₹68 का है धनी सर्विसेज का। तो यहाँ पे फंडामेंटल नंबर्स की बात की जाए तो देख सकते कि हम लोग देख नजर भी डाल सके हो तकरीबन ROC -7 है, रिटर्न ऑन इक्विटी -15 का है, फेस वैल्यू ₹2 का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है 1369 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट जो है -653 करोड़ का हर इस साल का, EPS -10 का है। कंपनी का देख सकते कि रिटर्न ओवर 1 ईयर की बात की जाए तो -76% की गिरावट हो चुकी है। प्रॉफिट ग्रोथ में तकरीबन 2% की गिरावट है। फिर आप देख सकते हैं सेल्स जो है 1172 करोड़ के, सेल्स ग्रोथ में गिरावट देखने को मिले और सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में भी गिरावट देखने को मिले। तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 380 करोड़ के, टोटल एसेट जो है 6300 करोड़ का है, डेब्ट इक्विटी जो है 0.33 के, इबिटा जो है -8.40 का है और इक्विटी कैपिटल 122 करोड़ के, डिविडेंड पे आउट नहीं है, प्रमोट होल्डिंग 33% है, फ्लैश शेयर्स यहाँ पे उसके नहीं अंदर नहीं है जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे धनी सर्विसेज के, तो धनी सर्विसेज में काफ़ी यहाँ पे गिरावट होती हुई नजर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते रिसेंटली देखा जाए तो मंथली जो प्यू था इस मंथ में उसको ब्रेक करके नीचे गिराव देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो रिसेंटली 37.75 लेवल जो है सपोर्टिव लेवल है, उसको ब्रेकआउट मिलता है तो नीचे 35 लेवल के नीचे 33 लेवल तक गिरावट होने के चांसेस दिखाई दे सके धनी सर्विसेज के अंदर। Thank you.